स्वागत है यस इन्फीमे पर और मैं हूं अभिषेक आपके साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि यस इन्फीमे में हम आपको नए नए डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं और ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो हमें लगा क्यों ना आज बाइक राइड की जाए, तो इसीलिए आज हम अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं विराट नगर, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये जयपुर से दोस्तों करीब 90 किलोमीटर दूर है और साथ ही कहा जाता है कि इसकी जो ऐतिहासिक छवि है उसके चलते ये बहुत ज़्यादा मशहूर है आसपास के इलाकों में भी। और साथ ही जो पांडव जब अपने वनवास पर थे तो यहाँ पर उन्होंने निवास किया था, कुछ समय वहाँ पर रुके हुए थे और भीम का पैर आज भी वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ये अपने जैन मंदिर के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी ये हम आपको लगातार इस वीडियो में बताते जाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, चैनल को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम टीम के साथ रुकते रुकाते हुए जाएंगे, आपको नाश्ते के मज़े भी दिलाएंगे। सुबह का टाइम है, हालांकि 9:30 बज रहे हैं अभी, तो आराम से 2 घंटे में हम लोग वहाँ पर पहुँचने का प्लान करते हैं। तो चलिए इंतज़ार नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारे सफ़र को। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. हमने 60 किलोमीटर के आसपास में ड्राइव कर लिया है और अभी MIT यूनिवर्सिटी और निम्स वाला जो एरिया है वो हमने क्रॉस कर लिया है और यहाँ से करीब करीब 30 किलोमीटर का ड्राइव और है और अभी हम आगे रुकने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो वहाँ आपको बताते हैं क्या कुछ नया अपडेट है और हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमने ट्रैवल कर लिया है और यहाँ पर हम लोग मिडवे पर रुके हुए हैं कुछ स्नैक्स के लिए। यार भूख लग रही है, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी सुबह सुबह में निकले थे और अभी यहाँ पे स्नैक्स का हम लोग मज़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अब शायद ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 35 किलोमीटर के आसपास का अभी डेस्टिनेशन यहाँ बचा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जयपुर के इतने करीब होने के बाद भी वो जगह बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उस जगह को वहाँ पर देखा हुआ है, क्योंकि वो एक तरीके से ऑन रोड भी नहीं है, थोड़ा इंटीरियर्स में जाके है। उसके अलावा वहाँ पर ज़्यादातर जो रिलीजियस जगह है या फिर जो मंदिर है या फिर जो जैन टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसके चलते वहाँ पर जो क्राउड है वो बहुत लिमिटेड ही पहुँच पाता है। और अभी क्योंकि कोविड था तो इसके चक्कर में बहुत सारी जो जगह थी वो बंद थी, लेकिन अभी धीरे धीरे चीज़ें रूट पर आ रही हैं, वापस ट्रैक पर आ रही हैं और इसीलिए हम आपको वहाँ पर लेकर के जा रहे हैं ताकि हमारे साथ साथ आप भी वहाँ पर देखिए कि क्या कुछ नया है। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद बताते हैं।
के बाद अब हम चले हैं और करीब 20 किलोमीटर हम आगे चल गए हैं और जो NH 8 है यानी कि दिल्ली रोड है उससे अब हम अंदर की तरफ यानी कि विराट नगर की तरफ में टर्न ले चुके हैं और वहाँ का इतना खूबसूरत रास्ता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इतनी शानदार यहाँ पहाड़ियाँ, आपको लगेगा नहीं कि आप राजस्थान में हो क्योंकि एक तो पहाड़ियाँ तो है ही और उसके साथ साथ में यहाँ पर जिस तरह की ग्रीनरी है क्योंकि अभी बारिश का मौसम लगातार चल रहा है तो बहुत शानदार ग्रीनरी है और करीब करीब 20 किलोमीटर हमने अंदर की तरफ ट्रैवल कर लिया। यहाँ से अब ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर हम पीछे हैं और 7-8 किलोमीटर के बाद आपको डेस्टिनेशन देखने में मिल रहा है। लेकिन आप इस नज़ारे को देखिए, मतलब जब हम लोग आ रहे थे हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग राजस्थान में हैं, बिल्कुल उत्तराखंड और वो हिमाचल वाला पूरा फील था। और हमारी टीम पूरी बाइक्स के साथ में यहाँ रुकी हुई है, सब लोग यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, सिर्फ 5-6 किलोमीटर ही रह गए हैं। फोटोज़ वगैरह हम लेते जा रहे हैं, वो आप लोग देखते भी जा रहे होंगे वीडियो में, आगे भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। विराटनगर में हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों और अभी आपको बता देंगे इसका नाम विराट नगर क्यों है। राजा विराट थे जिन्होंने इस पूरे शहर को यहाँ बसाया था और ये काफ़ी पुराना शहर माना जाता है जिसमें ख़ास तौर पर कई तरह के धर्मों की यहाँ पर हमें जो मंदिर हैं या जो उनके दर्शनीय स्थल हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भीमलत के नाम से ये जगह काफ़ी मशहूर है और कहा जाता है कि जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ निवास किया था और भीम जो थे उन्होंने ही पहाड़ों को तोड़ करके, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं गोल गोल, इनका निर्माण भीम के द्वारा ही हुआ था। कहा जाता है कि वो इनके साथ खेलते थे और साथ ही अंदर हम आपको दिखाएंगे कि उनके पैरों के निशान भी यहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम भीमलत पड़ता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पास ही में एक बहुत ही मशहूर जैन मंदिर भी है, वहाँ आपको लेकर के चलेंगे। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह हैं, समय हमारे पास कम है लेकिन जगह बहुत सारी है। तो चलिए एक एक करके सबको कवर करते हैं। बढ़ते हुए हम बिल्कुल पहाड़ों की ऊंचाई पर आ चुके हैं और आपने देखा किस तरह से जो पहाड़ी रास्ता है उसे पार करते हुए यहाँ पर आए हैं। और अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस मंदिर को जो कि बालाजी का मंदिर है, बहुत मशहूर है और साथ ही भीम नगरी या भीम डूंगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, भीम घट्टा इसे कहा जाता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं इतनी हरियाली, अभी फ़िलहाल थोड़ी धूप है लेकिन जब मौसम अच्छा रहता है या फिर आप शाम के समय आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर लगेगा। इसके बाद दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम लोग सीधा मंदिर के अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे और दिखाएंगे। चलिए
भगवान शिव का मंदिर है यहाँ, बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा सा नीचे चल के हम यहाँ पर पहुँचे, आप देख सकते हैं बहुत अनोखा ये शिवलिंग आपको दिखेगा। इस तरह का शिवलिंग बहुत ही कम देखने को मिलता है। साथ ही नंदी महाराज की भी आप प्रतिमा यहाँ देख सकते हैं। गुफाओं में ही अक्सर निवास किया करते थे भगवान शिव, कैलाश में, गुफाओं में, तो वही कुछ हमें देखने को मिलता है। तो पांडवों के चलते इस जगह को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली हुई है और इसकी पहचान भी उसी कारण से है। तो भीम डूंगरी के नाम से या फिर भीमगट्टा के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये जो पत्थरों को, जो शिलाओं को जोड़ करके इस जगह को बनाया गया है, और इसका जो कारण था ये था कि ताकि वो यहाँ पर शरण ले पाए, यहाँ पर छुप सकें। और उसी वजह से कहा जाता है कि उसी समय में इतने साल पहले, सैकड़ों साल पहले इस जगह का निर्माण उन्होंने ही किया था, शिलाओं का उन्होंने ही निर्माण किया था। तो चलिए दोस्तों, हम ऊपर अब पहाड़ी के ऊपर आए हैं और अब यहाँ हनुमान जी की मूर्ति आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ भीमसेन जी के मंदिर के नाम से ये जगह काफी मशहूर है। और करीब आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये 150 से 200 साल पुरानी प्रतिमा है हनुमान जी की, जो कि मानव रूप की पहली प्रतिमा इन्हें कहा जाता है, यानी कि जो इंसानी रूप में, मानव रूप में ये मूर्ति है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, और करीब 150 से 200 साल इसको यहाँ स्थापित हुए हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरह से एक पूरे चट्टान के ऊपर, एक पूरे पहाड़ के ऊपर ये मंदिर मौजूद है। और ऐसे कहते हैं कि जब इन्हें ऊपर लाया गया था तो करीब करीब 6 महीनों का समय यहाँ पर लग गया था इनको ऊपर लाते हुए। तो वाकई ये अपने आप में ही बहुत अनूठी चीज़ है, और वो भी क्यों ना, हमारे राजस्थान में मंदिरों का एक अलग ही महत्व होता है, और शायद इसीलिए राजस्थान इतना ज़्यादा मशहूर है दोस्तों। दोस्तों वाकई कहा जाता है कि मंदिरों का निर्माण हमेशा से पहाड़ों के ऊपर होता रहा है, क्योंकि जो भगवान है वो हमेशा एकांत में बसते हैं। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर जो बड़े मंदिर होते हैं वो हमेशा पहाड़ों के ऊपर ही बने हुए हैं। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अंदर है प्रतिमा जो बहुत एक बड़े साधु थे रामचंद्र वीर महाराज जी उनका, और उन्होंने इस मंदिर के साथ और इसके अलावा करीब करीब 1100 मंदिरों का निर्माण किया था। और एक काफ़ी लंबे समय तक वो अनशन पे रहे थे। उनकी मांग थी कि जो मंदिरों में जो पशु बलि होती है वो जो एक जो सिस्टम बनाया हुआ था उसको यहाँ बंद किया जाए, तो और उसके बाद ही इस मंदिर का भी यहाँ पर निर्माण हुआ है। आप आसपास के नज़ारे देख सकते हैं, इतना खूबसूरत ही लग रहा है, और पहाड़ के ऊपर एकदम एकांत। जब आप यहाँ पहुँचेंगे बहुत ज़्यादा शांति आपको महसूस होगी, और अंदर ऐसा लगता है कि बस आप बैठे ही रहे, यहाँ से उठने का मन नहीं करता आपका।
मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया था कि जब पांडव अपने अज्ञातवास में यहाँ रुके हुए थे तो उस दौरान उन्होंने यहाँ शरण ली हुई थी। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये भीमलत इस एरिया को कहा जाता है, ये वो हिस्सा है जहाँ पर जो भीम है उन्होंने यहाँ पर ठोकर मारी थी और अपना पैर मार के ये पूरा यहाँ छेद किया था, ये पूरा गड्ढा सा हो गया था। और जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी भर जाता है, तो इसीलिए इस जगह की बहुत ज़्यादा पहचान है और बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। आप देख सकते हैं फिलहाल तो पानी यहाँ पर जमा हो गया है, लेकिन ये पानी उस वक्त हो सकता है काफ़ी साफ रहा होगा। और आसपास के लोग अब इस पानी को इस्तेमाल करने लग गए हैं, ये भी आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। विराटनगर में दोस्तों हम अलग अलग जगहों को यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीजें हमें यहाँ पर मिलती जा रही है जिनके बारे में हमें यहाँ पता लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं मुगल गेट पे, आप पीछे देख सकते हैं मुगल गेट। दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 16 सेंचुरी में हुआ था और राजा अकबर ने ही इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कराया था। और साथ ही कहा जाता है कि ये ताजमहल का रेप्लिका है, यानी कि उसका एक छोटा वर्जन बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। और आप देख सकते हैं इसका जो पैटर्न है कंस्ट्रक्शन का वो ताजमहल से काफी कुछ मिलता जुलता है। ऊंचा यहाँ चबूतरा बनाया हुआ है और उसके ऊपर वो जो डोम है जो गुंबद है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उसका रेप्लिका बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत इतना फेमस ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन नहीं पाया, जिस तरह से ताजमहल मशहूर है उतनी जो फेम है वो इस जगह को यहाँ पर नहीं मिल पाई, क्योंकि आप कह सकते हैं मेंटेनेंस की दिक्कत है और सरकारों का कभी ध्यान नहीं रहा, अथॉरिटीज का इस पर कभी ध्यान नहीं था, जिसके चलते इसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं यहाँ कह सकते हैं। और इक्के दुक्के ही यहाँ पर जो ट्रैवलर्स हैं वो स्पेशली यहाँ पर आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके बाकी के हिस्सों में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। तो जिस मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा था आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पानी का कुंड था लेकिन आप हालत देख सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं है मेंटेनेंस की कमी के चलते, ये अब काफी खराब हो चुका है इसका पानी दोस्तों। और ये जो दीवारों का कलर भी है ये भी आप देख सकते हैं काफी समय से इसका जो रिवैम्पिंग है या उसका जो रेनोवेशन हम कह सकते हैं उसकी कमी के चलते जो क्वालिटी है वो अब काफी ज्यादा खराब हो गई है। आइए अंदर चलते हैं दोस्तों, अंदर हम देखते हैं ताजमहल से कितना ये मिलता जुलता है। तो जो लोकल लोग हैं यहाँ पे उसे छतरी के नाम से जानते हैं और मेरी आवाज अभी हो रही होगी, आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो रूम है ये जो मुगल कालीन जो पैटर्न है जो नक्काशियों का पैटर्न है वो यहाँ पे देखने को मिलता है जो मुगल स्टाइल का है। और ये इसलिए जो पीछे वाला रास्ता है, तो हालांकि अगर मैं उसके बारे में बात करूं, मेरे एक हम आउटर मॉडल के बारे में बात करें तो कोशिश यही की गई थी, लेकिन ताजमहल जितना फेम और उस तरह का अटेंशन इस जगह को नहीं मिल पाया है। और पीछे इसके सिर्फ खेती खेत हैं, चारों तरफ सिर्फ खेती खेत हैं। और तो चलिए आज कुछ नई लोकेशंस के बारे में हमने आपको बताया दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने जाना कि विराटनगर में क्या कुछ ऐतिहासिक चीज़ें मशहूर हैं और साथ ही साथ दर्शन कराए आपको हमने भीमसेन के, और उसके अलावा हमने आपको बताया वहाँ मुगल दरवाजे के बारे में भी। तो इस वक्त हम लोग अब वापस लौट गए हैं और रात भी काफ़ी हो गई दोस्तों, तो अब यहाँ हम लोग रुके हैं अपने डिनर के लिए, बस यहाँ पर डिनर करते हैं और उसके बाद आधे घंटे में यहाँ से निकलते हैं। तो इसी तरह की और फनी और इसी तरह की और एक्साइटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए और यस इन्फीवे को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं।